चीजें भी बता दी थी, बट रेजोनेंस पूरा नहीं हुआ था उसमें। मुझको एक चीज करानी थी, क्वालिटी फैक्टर। तो रेजोनेंस एक बार तभी रिवाइज करवा देता हूँ। एक एलसीआर, उसमें मैंने जो है एक वोल्टेज फीड किया है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और एलसीआर सीरीज सर्किट है तो तीनों में करंट सेम जा रही है। मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस को बल्ब की तरह समझना, और बल्ब जब अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ जले, यानी कि बल्ब में पावर सबसे ज्यादा हो, तो उसी स्टेट को रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। पेज पलट के देखो, ये पॉइंट कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है? रेजोनेंस इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर कंजम्पशन यस लिखा हुआ है। यस ठीक, तो अब इसमें देखो बेटा, एलसीआर सर्किट है, बल्ब एल और सी की वैल्यूज या तो ऐसी हो, या सर्किट में फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए। और जैसे ही अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा, ये देखो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा या वीएल इज इक्वल टू वीसी होगा, कराए भी थी मैंने क्वेश्चन, ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी होगा, तो वैसे ही तुम्हारा इस सर्किट में एल और सी के वोल्टेज एक दूसरे को 180 डिग्री फेज डिफरेंस होने की वजह से बैलेंस कर देंगे, और सर्किट में पूरी तरीके से सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। लोड के नाम पे एक्सएल एक्ससी होने के बावजूद सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी हो गई, जेड की वैल्यू आर हो गई, ये सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगी, पावर मैक्सिमम हो जाएगा, बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा, और इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। और इसके लिए मैंने तुमको कंडीशंस भी लिखवाई थी, और ये भी बताया था मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता कितना है। तो रेजोनेंस थोड़ा बहुत मैंने कराया था। रेजोनेंस में मैंने तुमको ये भी बता दिया था कि अगर रेजोनेंस कहीं पे हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। टेक मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। तो अब मैं एक चीज और करवाना चाहता हूँ, वो करवाना चाहता हूँ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। वैसे तो मैंने करवाई थी, बट मैं तुम्हारा कराना चाहता हूँ वेरिएशन ऑफ पावर विद फ्रिक्वेंसी, ये कराना चाहता हूँ। तो हेडिंग डाल लो कॉपी में, वेरिएशन ऑफ पावर विद फ्रिक्वेंसी। कौन से सर्किट में? तो वही सर्किट, एलसीआर सर्किट, जनरल सर्किट कर रहे हैं, एलसीआर सीरीज सर्किट। अपने सिलेबस में यही है, मोस्ट जनरल सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। क्या करना है? वेरिएशन ऑफ पावर करना है, कि पावर कैसे वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। करते सबसे पहले काम फ्रीक्वेंसी के साथ, ये फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई? तो मैं तुमको ये एक हाइपोथेटिकल सिनारियो दे रहा हूं, और वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, और इसमें इस बार एल जो भी है फिक्स है, सी जो भी है फिक्स है, बदल जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एल सी आर सब फिक्स है। ये एल है फिक्स्ड, सी फिक्स्ड, आर फिक्स्ड, बदल क्या रहा है? तो बदल इस सर्किट की सिर्फ फ्रिक्वेंसी रही है, मतलब ये ओमेगा, ओमेगा बदल रहा है, जी वाली चीज, ये ओमेगा चेंज कर रहा हूं, और ओमेगा को मैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कराऊंगा। ओमेगा को मैं जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में ले जाऊंगा, और देखूंगा कि सर्किट में क्या फर्क पड़ता है, पावर पे क्या फर्क पड़ता है। पर्टिकुलरली पावर सबको याद ही है। बोले बेटा एलसीआर सर्किट में पावर के मैंने तीन फॉर्मूले बताए हैं, कौन कौन से? वीआरएमएस आई आर एम एक एस तो कॉस ये फाई है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ए फाई। आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई हाँ, एक बेटा और है आई आर एम एस के टर्म में, और एक है वी आर एम एस के टर्म में, बताओ कौन सा? आई आर एम एस के टर्म में आई कौन सा? आर एम एस आई स्क्वायर स्क्वायर आर आई आई आर आर एम एम एस। एस स्क्वायर आर हाँ, और एक वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर नहीं है, लेकिन वो कौन सा है वी आर एम एस वाला? वी आर एम एस स्क्वायर जेड। बाय वी आर एम एस बाय जेड स्क्वायर टाइम्स आर जी वाला, याद आया कुछ? यस हाँ, तो अब यस इन इन हाँ इनमें इनमें से कोई भी यूज कर लो, मैं आई आर एम एस का स्क्वायर यूज करने जा रहा हूँ, और इसलिए तुमको मैंने लिख दिए ताकि तुम जो है कंफ्यूज मत हो कि मैं कौन सा, इसी से सारी चीजें करूंगा डिराइव। और इसमें आई आर एम एस की वैल्यू बेटा, आई आर एम एस की वैल्यू मैं मुन्ना ये लूंगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। जेड तो अब तक सबको याद हो गया होगा, लेकिन हर बार बोलूंगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो मेरे साथ ताकि याद हो जाए बोलते बोलते, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये मेरा जेड है। अब
मैं यहाँ पे करना क्या जा रहा हूं, तुम अभी धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सएल होता है और ये जो एक्ससी होते हैं, ये ओमेगा पे डिपेंडेंट होते हैं, आर ओमेगा पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कौन से ग्राफ, फ्रीक्वेंसी के साथ आर का, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल का, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्ससी का, तो मुझे बताते जाओ कैसा ग्राफ बनेगा। फ्रीक्वेंसी के साथ बना रहा हूं और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, ओमेगा एक्स एक्सिस पे है। ओमेगा ये मत बोलना अभी फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बात एक ही है, 2 पाई से क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा टू टू पाई एफ कर दो, 2 पाई से कॉन्स्टेंट है वैसे भी। बोलो मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी का आर पे कोई फर्क पड़ता है कि आर कॉन्स्टेंट है? आर कांस्टेंट। ये रहा कॉन्स्टेंट। अच्छा एक्सएल होता है ओमेगा एल, इसका तो देखो पड़ता है, एल कॉन्स्टेंट है, बट ओमेगा में, ओमेगा अगर मैं बढ़ाऊं 0 से इन्फिनिटी तक ले जाऊं, एल कॉन्स्टेंट है, तो क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनना चाहिए? यस हाँ सर। ये बन गया एक्सएल का ग्राफ। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। एक्सी का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, सी तो कांस्टेंट है, ये वाई इज इक्वल टू 1/x। प्लीज बोलो बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए? यस यस सर। अब मैं एक चीज करने जा रहा हूं और उसको ध्यान से समझना। जब मैं सर्किट में फ्रीक्वेंसी बहुत कम लू, जब मैं सर्किट में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लू, और इनके बीच में कुछ ऐसी लूंगा फ्रीक्वेंसी जो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, क्या होगा? जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सएल और एक्सी पे फर्क पड़ेगा। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो एक्सएल 0 की तरफ टेंड करेगा, देखो, और एक्सी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम होगी 1/0, एक्सी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और लेकिन जो जेड होता है बेटा, उसमें तो आता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और एक चीज अगर इनफिनाइट की टर्म माइनस से क्या फर्क पड़ने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बताओ जेड की वैल्यू किधर टेंड करेगी? इनफिनिटी। हाँ, फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम है तो जेड इन्फिनिटी है। अब उल्टा करो, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होती तो क्या होता, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सएल इन्फिनिटी। हाँ, एक्सएल इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता और एक्सी 1/ओमेगा c 1/0 की तरफ टेंड करता। लेकिन बात वही है, जेड तब भी निकालते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी माइनस 0 का होल स्क्वायर, तब भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होता। तो इसका मतलब है एक्सएल एक्सी में कोई भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर, भाई फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी इन्फिनाइट है, तब भी जेड इन्फिनिटी। एक्सी समझ लो कैपेसिटिव का अपोजिशन और एक्सएल इंडक्टर का अपोजिशन। जीरो फ्रीक्वेंसी या इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी, अब ऐसे समझ लो, जब फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होती हैं या फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होती है, तो याद है मैंने लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर, मैंने बोला था कि एक ब्लॉक कर देता है एक पास कर देता है, तो जब फ्रीक्वेंसी yes, बहुत, हाँ, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो कैपेसिटर इनफिनाइट रेजिस्टेंस दे देता है और सर्किट में इंपीडेंस इनफिनाइट हो गया। भाई कैपेसिटर दे चाहे इंडक्टर दे, सर्किट का नेट इंपीडेंस जो है वो कम फ्रीक्वेंसी पे भी हो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, एक बार एक्सएल की वजह से एक बार एक्सी की वजह से, दोनों केसेस में इंपीडेंस इन्फिनिटी है। तो दोनों केस में अगर इंपीडेंस इन्फिनिटी है, तो ये देखो मेरे सामने आईआरएमएस की वैल्यू किधर टेंड कर रही होगी, आईआरएमएस की वैल्यू टेंड कर रही होगी 0 की तरफ। और अगर आईआरएमएस ही 0 है तो बताओ आईआरएमएस का स्क्वायर आर किधर टेंड कर रहा होगा, पावर कंजम्पशन किधर टेंड कर रहा होगा, 0 0। अब मैं तुमसे बोलूं कि मैं एग्जैक्ट 0 इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि बहुत छोटी और बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब सर्किट में बहुत छोटी होती है तब भी, और फ्रीक्वेंसी जब बड़ी होती है तब भी, सर्किट का दोनों केस में जेड यानी कि जो इम्पीडेंस है दोनों केस में बहुत बड़ा होता है। और जब इम्पीडेंस बहुत बड़ा होगा तो बेटा करंट 0 ही आएगी, बहुत कम आएगी, और करंट ही नहीं है तो पावर कहां से, भाई रेजिस्टर में पावर कंजम्पशन आईआरएमएस स्क्वायर आर तो फिक्स है, जब करंट ही नहीं तो भले रेजोनेंस आ जाए कुछ हो जाए, यार आईआरएमएस ही नहीं है तो कहां से पावर होगा, तो पावर ही नहीं है, बिल्कुल 0 पावर। फ्रीक्वेंसी कम पे भी पावर 0, फ्रीक्वेंसी ज्यादा पे भी पावर 0। अब तुम जब फ्रीक्वेंसी ऐसी लग देते हो कि जो 0 इन्फिनिटी के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑब्वियसली तुम्हारा ऐसा होगा कि जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू घटेगी। पहले क्या था, एक्सएल और एक्सी के बीच में बहुत गैप था, ऐसे समझो कि पहले क्या था, जब तुमने स्टार्ट किया था फ्रीक्वेंसी 0 से, तो 0 फ्रीक्वेंसी पे एक्सी बहुत, 0 फ्रीक्वेंसी पे
एक्सी बहुत ज्यादा हुआ करता था, एक्सी इनफिनाइट हुआ करता था, और जीरो फ्रिक्वेंसी पे एक्सएल जीरो हुआ करता था, और जब फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ा दोगे तो ये इनफिनाइट छू जाएगा, ये जीरो की तरफ आ जाएगा। बात एक ही, एक भी इन्फिनिटी अगर हो गया तो उनके तुम्हारा जो जेड है वो इनफिनाइट हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ जेड में आता क्या है, एक्सएल आता है, एक्सी आता है, कि एक्सएल एक्सी के बीच का गैप आता है, एक्सएल एक्सी बीच का गैप, एक्सएल एक्सी के बीच का। तो कभी ना कभी तो बेटा ऐसा जरूर होगा कि एक्सएल बढ़ते 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 और एक्सी घटते घटते जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो दोनों क्या है, दो चीजें एक दूसरे के पास आ रही, तो पहले दूर थी तो पहले पास आए तो गैप घटा, गैप घटा, तो पहले जब एक दूसरे के पास आएंगी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो इनके बीच का जो गैप है वो घटेगा, गैप घटेगा तो जेड घटेगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी हो जाएगी, गैप जीरो हो जाएगा, और गैप जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो जेड की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और जेड की मिनिमम वैल्यू आती है आर, क्योंकि जेड जीरो हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस जीरो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही सर्किट में कुछ ना कुछ, आइडियल सर्किट थोड़ी ना करेंगे रेजिस्टेंस जीरो मान लें, तो जेड की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आर जब एक्सएल एक्सी को इक्वल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कहानी खत्म थोड़ी ना होगी, दोनों एक दूसरे के पास आए, पास आए, पास आए, पास आए, फिर एक दूसरे को दोनों उल्टा चले गए, ये और दूर चला गया, जब दूर थे तब भी गैप जाता था, और फिर जब दूर जाने लगे तो फिर गैप बढ़ने लगेगा, पहले पास आ रहे थे अब दूर भाग रहे हैं, फिर गैप बढ़ रहा है, तो समझ रहे हो, गैप पहले ज्यादा था, गैप कम हुआ, और फिर गैप बढ़ने लगा, वो गैप बढ़ने लगा तो जेड बढ़ने लगा। और अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं जेड का और करंट का, और तुम बड़ी इजीली समझ जाओगे, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी सा सिंपल सा चीज है, अगर मैं फ्रिक्वेंसी का यानी कि ओमेगा का इम्पीडेंस के साथ ग्राफ बनाऊं, तो इम्पीडेंस पहले भी इनफिनाइट है, बाद में भी इनफिनाइट है, और एक बीच ही कोई वैल्यू है जब जेड अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, और वो जेड की मिनिमम वैल्यू है आर, और वो कब हो रहा है जेड की मिनिमम वैल्यू आर, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, कब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जब ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू है वन अपॉन अंडर रूट एल सी, जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा जेड का ग्राफ समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अगर जेड का ग्राफ समझ में आ गया तो मैं जो मेरा जो पर्पज है वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। मेरा पर्पज है करंट का ग्राफ बनाना, करंट का ग्राफ बनाना, ये रहा करंट, कुछ और ले लेते हैं कलर, करंट का ये ले लेते हैं, ये है करंट, ये ले लेते हैं करंट, कोई अच्छा कलर नहीं आ रहा, व्हाइट ही ले लेते हैं, ये है करंट और ये है फ्रीक्वेंसी, और करंट है वीआरएमएस बाय जेड, वीआरएमएस तो फिक्स है, जेड के इनवर्स, तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा है तो इंपीडेंस इतना ज्यादा है कि करंट जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो है करंट, इधर भी जीरो है, और जब जेड मिनिमम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तब उस समय करंट मैक्सिमम है, तो बोलो बेटा करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए। हाँ, और ये वही फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर लिखेंगे आज के बाद से, और ये ओमेगा आर होता बेटा वन अपॉन अंडर रूट एल सी। अब मुझे ये बताओ ये फ्रीक्वेंसी का जेड के साथ ग्राफ है, ये रीजन कौन सा है और ये रीजन कौन सा है? ये रीजन वो है जब फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, ये फ्रीक्वेंसी वो है जब ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और ये फ्रीक्वेंसी तब है जब ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अब ध्यान से देख के बताओ, जब ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो कौन डोमिनेट कर रहा है? इंपेडेंस तो है ही, कौन डोमिनेट कर रहा है, एक्सएल डोमिनेट कर रहा है कि एक्सी डोमिनेट कर रहा है कम फ्रीक्वेंसीज पे? एक्सी। हाँ, तब यानी कि जब फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती हैं तो सर्किट कैपेसिटिव होता है, और कैपेसिटिव सर्किट होने का मतलब कौन आगे आगे भागेगा बेटा, वोल्टेज की करंट, करंट करंट CIVIL कैपेसिटर में करंट आगे भागेगी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसा होगा? अच्छा चलो आगे पहले और देख लेते, ओमेगा अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, अगर ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, बड़ी फ्रीक्वेंसीज हो, बड़ी फ्रीक्वेंसीज हो, एक्सएल एक्सी के बराबर हो चुका रेजोनेंट पे, अब ज्यादा और बड़ी फ्रीक्वेंसीज हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने में कौन बढ़ जाता है, एक्सी बढ़ जाता है कि एक्सएल बढ़ जाता है? एक्सएल। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़े में बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़े में बेटा सर्किट इंडक्टिव होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी छोटे में बेटा सर्किट कैपेसिटिव होता है, और जस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव, सॉरी जस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसा है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है? हाँ, प्योर रेजिस्टिव है।
जस्ट रेजोनेंट पे प्योर रेजिस्टिव बन जाता है, और यही तुम आज से दिमाग में याद रखना, सारा का सारा पावर और वोल्टेज उठ के सारा यहीं पे पहुंच जाता है रेजिस्टेंस पे, सारा वोल्टेज उठ के सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस, ऐसा लगता है कि एलओसी है ही नहीं, तभी रेजोनेंस आता है, सारा बल्ब पे पहुंच गया तो बल्ब पूरी ताकत से जल रहा है फुल ब्राइटनेस के साथ। एक रेडियो, रेडियो ट्यूनिंग सर्किट होते हैं, उनमें भी एलसीआर सर्किट होता है। पुराने जमाने में रेडियो नहीं होते थे, वो कार में अभी भी लगे होते हैं जिनको ऐसे नॉब घुमा घुमा के हम लोग करते हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक है डॉट डॉट बात हो, पर पुराने जमाने में होते थे रेडियो जिनको ऐसे घुमा घुमा के नॉब से ट्यूनिंग करते थे, उनके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता था, तुम जब घुमाते थे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदलता था, सी बदलने से क्या होता था इस सर्किट की ओमेगा रेजोनेंट बदलती थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब मान लो बाहर से चैनल आ रहे हैं, FM, एक आ रहा है FM रेनबो 101.01 मेगाहर्ट्ज़, एक आ रहा है 91.9, मान लो तुमने ऐसे नॉब घुमाया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदला, सी बदला, तो इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदल गई, और जैसे ही सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारे हाथों में रेडियो है और वो जो बाहर से 101 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है वो दोनों मैच कर गई, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तुरंत रेजोनेंस, तुरंत अच्छे से उसने ट्यून हो गया रेडियो और बहुत अच्छी क्लियर कट साउंड देने लगा। तो हमारे जो रेडियो होते थे वो ट्यूनिंग सर्किट, वो रेजोनेंस सर्किट होते थे। समझ में आ रहा है कुछ? कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं? हाँ, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम में सर्किट कैपेसिटिव है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़े में इंडक्टिव है, रेजोनेंट पे प्योरली रेजिस्टिव है। और ये बना हुआ जेड का ग्राफ, और ये इसका मतलब है आज के बाद से तुमसे कोई पूछे कि एक सर्किट है जिसकी ये कुछ नहीं दिया है कि वो LCR की वैल्यू क्या है, तो तुमसे सिर्फ इतना बोला है कि बेटा कि वो एक सर्किट है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, बताओ कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा? हाँ, और अगर सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो कौन लीड करेगा? और अगर सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो कौन लीड करेगा? मतलब तो तब हम बोलेंगे कोई लीड नहीं करेगा, कोई लैग नहीं करेगा, कोई रेजिस्टेंस तो सेम फेज में होता है, तो हम आंसर बोल देंगे सेम फेज। क्या बोल देंगे? इतना लिख लो फिर मैं तुम्हें आगे बताऊं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम ना तो जेड निकालना था, ना मेरा अल्टीमेट एम आई निकालना था, मेरा अल्टीमेट एम तो पावर निकालना था, बट ये इसके बीच के स्टेप थे क्योंकि इनके बिना मैं नहीं निकाल सकता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मैं तुमको बता रहा था कि आर एक्सएल एक्सी कैसे हैं, फिर मैं तुमको बताता कि एक्सएल और एक्सी में गैप मैटर करता है, ये गैप बना रहा था मैं, फिर मैं तुमको बताता कि गैप पहले कम हुआ जीरो हो गया और फिर बढ़ने लगा, तो गैप पहले कम हुआ देखो जीरो हुआ गैप और फिर बढ़ने लगा, तो जेड का वेरिएशन बताया, फिर मैं करंट का वेरिएशन बताया, फिर अभी मैं तुमको अगला बेटा पावर का वेरिएशन बताऊंगा। पहले इतना लिख लो फिर। सर ये जेड और आई का ग्राफ ये पैराबोलिक है? नहीं बेटा पैराबोलिक नहीं है, क्योंकि देखो क्यों नहीं है पैराबोलिक, क्योंकि जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, इसमें देखो आ तो रहा है ओमेगा का स्क्वायर, लेकिन फिर बाहर अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वो भी देखो ओमेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा है, समझ रहे हो? तो ये परफेक्ट पैराबोला नहीं है, ये कर्व्ड है, कर्व है, और इनको रैंडम फिगर बोलेंगे, पैराबोलिक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट के तो नहीं है।
बिल्कुल बेटा हो गया। यस एक मिनट आगे बढ़ जाएं। यस अच्छा रुको एक मिनट। तेरे सेकंड ग्राफ कैसे बनाया करंट वर्सेस डिवेंट। देखो आई वी आर मिस बाय जेड, जब फ्रीक्वेंसीज बहुत कम थी तो देखो जेड इनफिनाइट से स्टार्ट किया, तो अगर जेड यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो करंट आएगा जीरो, तो इसलिए मैंने करंट को बहुत स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट किया। अब जब ये जेड घटता जा रहा है तो करंट बढ़ती जा रही है, तो देखो मैं करंट को बढ़ाता चला गया। जिस पॉइंट पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जेड मिनिमम है तो उस पॉइंट पे मैंने करंट को मैक्सिमम दिखा दिया क्योंकि इनवर्स है, और फिर उसके बाद फिर जेड बढ़ने लगा तो फिर मैंने करंट घटाई, और जेड जब इन्फिनाइट की तरफ भाग रहा है तो करंट जीरो की तरफ ट्रेंड करा दी। जीरो ये लाइन है, ये वाली लाइन जीरो है जो एक्स एक्सिस है वो जीरो लाइन है, तो इसी से स्टार्ट किया और इसी पे आके एंड कर दिया। बोलो समझ में आया? यस। अच्छा तो अब मैं आगे बनाने जा रहा हूं, मेरा एम तो कुछ और था क्योंकि मुझे तो रेजोनेंस में पावर बताना है और मुझे तो कुछ और चीज बतानी थी, बट उस बता नहीं सकता था जब तक मैं ये बता ना लेता, जेड और आई का ग्राफ ना बना लेता। अब मैं बनाने रहा हूं पावर का ग्राफ, इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखो पावर जो है बेटा वो आई आर एम एस का स्क्वायर आर है। मैंने बोला कि हम सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदलना है, बट कतई नहीं बोला कि मैंने रेजिस्टेंस बदला, तो आर तो कॉन्स्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बदलने से आई आर एम एस बदल रही थी, ये तुम्हारे सामने लिखी हुई आई आर एम एस, ये आई थी आई आर एम एस ही थी। IRMS is equal to VRMS by Z, IRMS का ही ग्राफ था। ये IRMS तुम्हारी अगर ऐसे चेंज हो रही थी बेटा, तो तुम खुद ही बताओ IRMS का स्क्वायर R करोगे, R फिक्स है, IRMS तुम्हारा मैंने ग्राफ बना दिया है, तो पावर मतलब उसी का स्क्वायर है, तो पावर का ग्राफ बिल्कुल IRMS जैसा बनेगा। स्क्वायर मतलब क्या है, जो चीज बड़ी होगी और बड़ी हो जाएगी, बट नेचर तो वही बनेगा ना, बढ़ना और फिर घटना, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। तो बस बन गया हमारा रेजोनेंस में जो पावर का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, फर्स्ट इंक्रीजिंग और देन डिक्रीजिंग। मुझसे मत पूछना ये पैराबोला है कि नहीं, ये पैराबोला नहीं है, ये साइनसॉइडल भी नहीं है, ये एक रैंडम सा ग्राफ है, और ये मैं रैंडम से ग्राफ का कोई नाम नहीं रखूंगा, ये इस टाइप का ग्राफ है। और ये है वो फ्रीक्वेंसी जब करंट मैक्सिमम थी और जब पावर मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन अंडर रूट एल सी, और ये है तुम्हारा मैक्सिमम पावर। कितना है ये मैक्सिमम पावर, तो बेटा इसको तुम चाहे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बोल दो या वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर बोल दो। मैंने पता है अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि पावर का जनरल फॉर्मूला ये है वी आर एस बाई जेड का होल स्क्वायर आर, और अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। उसकी वजह मैं तुमको बता चुका हूं, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो उसमें जेड की वैल्यू रेजोनेंस पे आर हो जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये होता है रेजोनेंस पे पावर का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पावर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, चाहे कम फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैपेसिटिव हो, ये कैपेसिटिव जोन है, ये इंडक्टिव जोन है। कैपेसिटर और इंडक्टर जब भी डोमिनेट करते हैं तो कभी भी पावर मैक्सिमम नहीं होती। पावर को मैक्सिमम करने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर बिल्कुल डोमिनेट करना करें, सर्किट को रेजिस्टिव बना दो तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होती है, जब एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को बैलेंस कर दे। ये वाला रीजन वो है जहां पे एक्ससी एक्सएल से बड़ा है। ये वाला रीजन बेटा वो है जहां पे कैपेसिटिव है सर्किट एक्ससी एक्सएल से बड़ा है। ये वाला रीजन इंडक्टिव है जब बेटा एक्सएल एक्ससी से बड़ा है, और बिल्कुल रेजोनेंस पे आके एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यहां पे पावर मैक्सिमम। ये ग्राफ बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इमेजिन करो बेटा, क्या करोगे, दो एग्जांपल दे रहा हूं तुमको। एक एग्जांपल है एग्जांपल वन, जहां पे तुम्हारे पास एक एल एल है ना, एल चोक कॉइल, एक सी है ना कंडेंसर, रेजिस्टेंस की जगह बल्ब, और यहां पे तुम फ्रीक्वेंसीज बदल रहे हो। बताओ बेटा रेजोनेंस में क्या कहां जाएगी पावर, रेजोनेंस जब आएगा इस सर्किट में, चोक के पास, कंडेंसर के पास, कि बल्ब के पास?
तो बल्ब पे पावर, बल्ब की पावर याद है करंट डेंसिटी में करते थे, बल्ब की ब्राइटनेस यही तो होती थी बल्ब की पावर। यस यस, यानी कि रेजोनेंस पे आके बल्ब क्या होगा, जब रेजोनेंस आएगा तो बल्ब कैसे जलेगा, तो बल्ब जलेगा मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ। तो अगर कहीं चोक या कंडेंसर डोमिनेट कर गया तो बल्ब डिम है, और जैसे ही तुमने फ्रीक्वेंसीज ऐसी करी कि ओमेगा वन अपॉन अंडर रूट एलसी हो गया, तो बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ जलेगा और तुरंत तुम देख लोगे कि आ गया रेजोनेंस, पूरा बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ चल रहा है। एक एग्जांपल और है, मैंने तुमको बताया कि हम लोगों के पास नहीं रेडियो होते थे पुराने जमाने में, तो वो रेडियो कैसे होते थे, एक एल होता था अंदर, कॉइल होती थी और एक कैपेसिटर होता था, वो कैपेसिटर ऐसा होता था मतलब सेमी सर्कुलर शेप का, और ऐसे तुम्हारे पास यहाँ बाहर नॉब लगी रहती थी, तो इस नॉब को तुम टर्न करते रहते थे, और ये कैपेसिटर होता था। नॉब को टर्न करने से क्या होता था कि कैपेसिटर अगर सामने सामने है तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम है, और घुमाओगे तो कैपेसिटेंस जितना इनका एरिया मतलब प्लेट्स सामने सामने जितना, जैसे मान लो 100% एरिया सामने है तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम है, फिर तुम घुमा रहे हो तो बिल्कुल जब घुमा के उल्टा कर दोगे तो कैपेसिटर जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस चेंज होने से सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बदलती थी, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बदलती थी तो मैं रेडियो सर्किट की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास तो बाहर से कई सारी फ्रिक्वेंसीज के आ रहे हैं, तुम्हारे पास 100 मेगाहर्ट्ज भी है, तुम्हारे पास 90 मेगाहर्ट्ज भी है, तुम्हारे पास 95 मेगाहर्ट्ज भी है। तो मान लो मेरी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अभी जो फ्रिक्वेंसी है सर्किट की वो 92 है, तीनों में तीन स्टेशन है, तीनों में से किसी से मैच नहीं कर रही। बोलो बेटा अगर मेरी फ्रिक्वेंसी सर्किट की 92 मेगाहर्ट्ज है और बाहर से तीन स्टेशन आ रहे हैं रेडियो, इनमें से किसी से भी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो क्या सुनाई देगा, वो क्लियर कट साउंड सुनाई देगा कि खड़खड़ाहट सी आएगी, मतलब एक अनक्लियर साउंड आएगा, और जैसे ही मैं थोड़ा सा सी वीट मैनिपुलेट करूं, और सी मैनिपुलेट करके एलसी 1/100 एलसी बदल के मैं 95 मेगाहर्ट्ज कर लूं, तो सर्किट ट्यून हो जाएगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होगा, 95 किसके साथ ट्यून होगा, 95 याद आया क्लास 11 में पढ़ा था, जब किसी जैसे स्ट्रिंग को ट्यूनिंग फोर के साथ सेम फ्रीक्वेंसी मैच करा दो रेजोनेंस हो जाता है, तो स्ट्रिंग बड़े एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन करने लगता है। बस yes. आज भी रेजोनेंस की डिफिनेशन कुछ नहीं बदली बेटा, जैसे ही तुम्हारा इस रेडियो सर्किट की ट्यूनिंग तुमने कर ली एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, तो एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जो बाहर से आ रही रेडियो स्टेशन से, तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली और जैसे ही तुमने ट्यून कर लिया तो तुरंत रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे बल्ब की ब्राइटनेस थी, यहाँ पे बताओ लाइट देखोगे कि साउंड देखोगे, और साउंड की ब्राइटनेस देखोगे, लाउडनेस देखोगे, लाउड साउंड सुनाई देगा, क्लियर कट विदाउट एनी डिसरप्शन, क्लियर कट लाउड साउंड सुनाई देगा, तो हम बोलेंगे कि सर्किट हमारा ट्यून हो गया है। ट्यूनिंग सर्किट जो होते हैं वो रेजोनेंस बेस्ड होते हैं, रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं। मैंने तुमको बोला था दो एग्जाम्पल बताऊंगा, तो दो एग्जाम्पल यही है, एक है बल्ब का और एक है बल्ब जिसमें चोको कंडेंसर लगी हो, बल्ब क्या है ट्यूबलाइट भी हो सकती है, पुराने जमाने में ट्यूबलाइट में चोको कंडेंसर दोनों होते थे, और ये है तुम्हारा ट्यूनिंग सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट रेजोनेंस पे बेस्ड होते हैं, और जैसे ही तुमने फ्रीक्वेंसी मैच कराई तुरंत, समझ रहे हो, ये ट्यूनिंग सर्किट का डायग्राम बना है। अब मुझे बताओ तुम 95 मेगाहर्ट्ज जो है वो तुम्हारा स्टेशन कैच करना चाहते हो, 95 मेगाहर्ट्ज मान लो ये है जहां पे तुम बिल्कुल रेजोनेंस आ रहा है और तुरंत पावर मैक्सिमम शूट अप कर जाती है, 95 से कम जाओ 94 जाओ, या 95 से ज्यादा जाओ 96 जाओ, 94 जाओ 96 जाओ, बताओ सर्किट में पावर मैक्सिमम है कि कम है, मैक्सिमम से कम है, कम है, मैक्सिमम से कम है, मतलब लाउडनेस कम है, वो उल्टा सीधा वो होता नहीं है कि तुम जैसे 95 है तो उसके अगल बगल जाओ तो थोड़ा थोड़ा कैच करने लगता है, पूरा कैच नहीं करता, लेकिन जितना तुम उस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से दूर जाओगे उतना ही कम पावर आएगी, उतना ही वीक साउंड सुनाई देगा, और जितना तुम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के पास जाओगे उतना ही तुमको क्लियर साउंड सुनाई देगा, और एग्जैक्ट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे अचानक से पावर शूट करेगा बिल्कुल क्लियर लाउड साउंड, क्लियर लाउड साउंड, साफ सुथरा स्टेशन आ रहा है, तो वही रेजोनेंस होता है, उसी को रेजोनेंस कहते हैं, समझे। तो अब मैं तुमको बताना चाहता हूं एक अगली चीज, पहले ये फिगर बना लो तो मैं बताऊं, एग्जांपल टू का फिगर कैसा है, एग्जाम्पल टू रेडियो का, ये बेटा ये हाइपोथेटिकल फिगर है, मैंने रेडियो तो बना नहीं सकता, तो मैंने खाली दिखा दिया एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ऐसे है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और तुम यहाँ पे लगाए हो एक नॉब,
और इस नॉब से इसको घुमा रहे हैं। जब ये घूमेगा तो इसका सी चेंज होगा, यहाँ पे लिख दो सी चेंज होगा। yes. और सी चेंज होगा तो अब बताने की जरूरत है नहीं कि ओमेगा भी चेंज हो जाएगा और अपन अंडर डेल सी। ठीक, दो प्लेट होती है, प्लेट होता ना, प्लेट के बीच में जितना एरिया होगा उसे कैपिटल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है रिलेटेड। तो अगर इस नॉब को 180 डिग्री घुमा दो तो बिल्कुल ये प्लेट सामने है ही नहीं उसके, तो कैपिटल जीरो हो जाएगा सर्किट का। जो कभी किसी का आवाज आई थी रेजोनेंस वाली, कुछ खड़खड़ाहट आ रही थी, रेजोनेंस नहीं था। बोलो सर, यहाँ पर हम बाहर की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करा रहे हैं सर? जो पावर कंजप्शन मैक्सिमम होता है तो एक्सएल को एक्सी के इक्वल करना होता है ना? हाँ वही, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर रहे हैं। देखो हमारे रिजोन, अब मैं तुमको पता क्या बोल रहा हूँ, डबल वो बोल रहा हूँ कि हमारे सर्किट की एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके आई वो, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी को भी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा दो, इस फ्रीक्वेंसी को भी एक्सटर्नल के साथ मैच करा दो, तो वो एक्सटर्नल को कैच करने लगेगा। हमारे सारे रेडियोस जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। एक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और एक एक्सटर्नल है। नेचुरल में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके जो आया उसको भी मैच करा दो तुम एक्सटर्नल के साथ, तब तब की बात कर रहा हूं। सिस्टम में तो है रेजोनेंस। मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके मान लो मेरी वैल्यू आई 92 मेगाहर्ट्ज, मान लो आई 92, तो मुझे बताओ ये तीनों स्टेशन में किसी को कैच कर सकता है रेजोनेंस पे? 92 मेगाहर्ट्ज पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके 92 आ रहा है, लेकिन क्या ये इन तीनों को कैच कर पाएगा? इन तीनों के साथ किसी के साथ फ्रिक्वेंसी इसकी सेम है? नो बेटा, एस देखो एक्सटर्नल एक फ्रीक्वेंसी ऐसे आ रही है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, ज्यादा है या कम है, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे पे सुपरइम्पोज होती है। भाई रेडियो वेव से ना हमारा सर्किट उसको कैच कर लेता है। जब दो फ्रीक्वेंसीज में मिसमैच होता है तो रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन अगर दो फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाए बिल्कुल ऐसे तो जुड़ के वो बहुत बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन होने लगते हैं। ये जो क्लास 11th वाला रेजोनेंस था और क्लास 12th में तुम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पहुंचो, मैं दोनों को सुपरइम्पोज कर दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि सर्किट भी रेजोनेंस में, वो बाहर की फ्रीक्वेंसी के साथ भी रेजोनेंस में होना चाहिए, समझे? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी? बोल ही नहीं रहे। हाँ बोलो बेटा, इस कौन क्या कौन पूछ रहा था? उबैद। उबैद, हाँ उबैद बोलो। हेलो, हाँ बेटा बोलो। उबैद, यस सर, समझ में आया? क्लियर हो गया। अच्छा चलो आगे बढ़े। यस ठीक। यस तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करके एक चीज होती है। तो अब मैं तुमको दो एग्जांपल दे रहा हूं। एक एग्जांपल, दो रेजोनेंट सर्किट्स हैं, तुम्हारा काम है दोनों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ। कोई भी हो सकता है, बल्ब वाला एग्जांपल भी हो सकता है, रेडियो वाला एग्जांपल भी हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, बल्ब वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है, रेडियो वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है। दोनों में मैं ग्राफ बना रहा हूं, तुमको एक चीज पूछूंगा। ये है केस टू, ये है केस वन। दो फिगर बना रहा हूं, मेरे पास दो रेजोनेंट सर्किट हैं, ए और बी। ऐसे समझ लो एक रेडियो है, ये रेडियो ए है, ये रेडियो बी। रेडियो ए का पावर के साथ ग्राफ और रेडियो बी का पावर के साथ ग्राफ तुमको दिया हुआ है। ए का पावर के साथ ग्राफ कैसा है? ऐसा है।
और बी का पावर के साथ ग्राफ ऐसा है, एक का कोई थोड़ा सा ब्रॉड टाइप है मोटा मोटा और एक का लीन एंड थिन है ऐसा, ये बी का ग्राफ है ये ए का ग्राफ है, दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? बोलो बेटा इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जैसे मान लो दोनों रेडियो की तरह यूज हो रहे हैं और इनको रेजोनेंस पे आना था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी को बोल दो ओमेगा रेजोनेंट, ओमेगा रेजोनेंट। अब इसमें क्या हो रहा है कि ओमेगा रेजोनेंट से पीछे और ओमेगा रेजोनेंट से पहले भी ऑलमोस्ट उतना ही पावर है, वैसे है यहां पे मैक्सिमम लेकिन इतना कम चेंज हो रहा है, ये इसकी शार्पनेस कम है। शार्पनेस कम का मतलब है कि इतना धीरे धीरे ये तुम्हारी इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने पे धीरे धीरे पावर चेंज हो रहा है कि यानी कि जब रेजोनेंस आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कब रेजोनेंस आ गया, क्योंकि तो थोड़ा सा खाली पावर बढ़ेगा और फिर कब चला गया पता ही नहीं चला, और स्टेशन बहुत पहले से कैच करने लगता है और काफी देर तक कैच करता है और तुमको अचानक से रेजोनेंस नहीं मिल रहा, शार्पली रेजोनेंस नहीं मिल रहा। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि तुम थोड़ा सा भी अगर नीचे जाओगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो बिल्कुल कैच नहीं कर रहा स्टेशन, बिल्कुल कैच नहीं कर रहा और अचानक से तुम्हारा रेजोनेंस यहाँ पे होता है और पावर सूट अप कर जाता है और तुमको क्लियर कट लाउड साउंड सुनाई देने लगता है और यहाँ पे एक रेंज तक लाउड सुनाई देता रहता है खड़खड़ाहट के साथ और तुमको पता नहीं चल पाता कब रेजोनेंस आया कब चला गया, और इसमें रेजोनेंस तुम्हें तुरंत पता चलेगा। जैसे ही तुम्हारा रेजोनेंस आएगा तो देखो थोड़ा सा भी गैप, यहाँ पे गैप पे जाओ, यहाँ पे जाओ और उतना ही यहाँ पे चलो, उतना ही यहाँ पे चलो, तो तुम देखो उतना ही जब यहाँ पे चलोगे तो अच्छा खासा पावर ड्रॉप है और यहाँ पे देखो अच्छा खासा पावर ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पावर ड्रॉप है और पावर ड्रॉप ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। एक होना चाहिए ना गैप होना चाहिए कि कब पावर अचानक से मैक्सिमम होगी, तो पावर अचानक से मैक्सिमम होना और धीरे धीरे मैक्सिमम होना, तो जब अचानक से मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस तुम्हें क्लियर कट डिस्टिंक्टली पता चल जाएगा। तो अब मैं एक तुमसे टर्म पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ बेटा कौन सा रेडियो ट्यूनिंग के लिए ज्यादा अच्छा है, ए की बी? बी ज्यादा अच्छा है। और अच्छा मैं तुमसे पूछू, हाँ बी मैं तुमसे पूछू कि किसकी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है, किसको तुम रेजोनेंस तुरंत पकड़ लोगे? भाई ए का तो रेजोनेंस तुम्हारा आएगा कब आएगा चले जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते आ रहो, बल्ब की ब्राइटनेस देखो यहां से ही उतनी बनी रहनी स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट उतनी, तुम्हें पता ही नहीं चल पाया कब वो बल्ब मैक्सिमम होगा क्योंकि इनके इनके बीच में ज्यादा गैप ही नहीं है। यहां पे क्या है, जब तुम फ्रीक्वेंसी लाओगे 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 तो अचानक से पावर देखो कितनी सूट अप कर गई, अचानक से बल्ब बहुत ब्राइट होगा और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही फिर से डाउन हो जाएगा डिम हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे एटलीस्ट डिस्टिंक्टली बता तो पाओगे रेजोनेंस कब आया। तो बताओ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में कौन ज्यादा बेटर है, ए वाला कि बी वाला? बी वाला बेटा, बी वाला ज्यादा अच्छा है क्वालिटी में, एरिया नहीं देखते हैं शार्पनेस देखते हैं। एक टर्म मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जो कर्व पावर का जितना ज्यादा शार्प होगा, शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी ज्यादा होती है। शार्प बी, जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। ये वाला बल्ब जो है उसका पता तो चलेगा। अब यहाँ पे एक टर्म में तुमको और डिफाइन कर देता हूं तो तुम ज्यादा अच्छे समझ जाओगे, एक टर्म है जिसको बोलते हैं बैंडविड्थ। अभी बैंडविड्थ क्या है, तो बैंडविड्थ एक गैप है बिटवीन हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज का, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज का, यहाँ पे रेजोनेंस पे आके पावर मैक्सिमम है पीमैक्स दोनों में, तो कहीं ना कहीं पीमैक्स बाई टू आ रहा होगा, पीमैक्स बाई टू, ये है पीमैक्स बाई टू, तो पीमैक्स बाई टू दो फ्रिक्वेंसीज पे आएगा, एक बार कैपेसिटिव वाले पे एक बार इंडक्टिव वाले पे है, दो बार हाफ पे आएगा, तो एक को ओमेगा वन बोल दें और एक को ओमेगा टू बोल दें, तो जो ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का गैप होता है बेटा, ये मना ये जो गैप है हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज के बीच का, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ एलसीआर सर्किट में। और यहां पे देखो पीमैक्स है, तो पीमैक्स का बाई टू यहां पे होगा और यहां पे देखो वो गैप बहुत कम आएगा, ये बैंडविड्थ बहुत कम आएगी, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम आएगी। और अब मैं तुमको बोलने जा रहा हूं ये जो बैंडविड्थ होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इस बैंडविड्थ के तुम्हें क्या लग रहा है, प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कौन ज्यादा शार्प है, बी, और बैंडविड्थ देखो इसकी कम है इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, शार्पनेस का बैंडविड्थ के साथ क्या रिलेशन आएगा? इनवर्स। और शार्पनेस ही क्वालिटी फैक्टर है और क्वालिटी फैक्टर वन प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होता है।
वन अपॉन बैंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के। और होता कितना है क्वालिटी फैक्टर, तो यहाँ पे मैं तुमको क्वालिटी फैक्टर की डिफिनेशन लिखने वाला हूँ। ये पूछी जाती है, ये भले ही जेई मेंस के सिलेबस में हो बट पूछी जाएगी जेई मेंस के सिलेबस में और ये पूछी गई है। क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो फिक्स है, बैंडविड्थ मेन है। बैंडविड्थ जितनी कम होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा, बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बोले बेटा सबको समझ में आ गया क्वालिटी फैक्टर? यस। अच्छा तो लिख लो पहले इतना। लिख लो फिर आगे बढ़ो। उबैद लिख लिया? वन मिनट सर। हाँ अमित, अंजने, यस सर बस ऑलमोस्ट लिख लिया। अच्छा समझ गए? यस सर क्लियर है। इशांत समझ गए क्वालिटी फैक्टर? यस। शिवेंद्र? ऋषभ? हाँ सर समझ गए। अच्छा अच्छे तो ये बैंडविड्थ क्या होता है एक बार बता दीजिए। बैंडविड्थ इज द गैप बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। मान लो रेजोनेंस पे मैक्सिमम पावर पी, तो हाफ पावर उसकी हाफ पावर, जैसे मान लो 100 मेगावाट हो तो जो आप पे 50 मेगावाट जिन फ्रीक्वेंसीज पे हो रही होगी, तो 50 मेगावाट तुम देखो दो फ्रीक्वेंसीज पे होंगी। देखो ग्राफ में देखो, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पे, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे। तो जो ये जो कम फ्रिक्वेंसी और ज्यादा फ्रिक्वेंसी, मान लो जैसे एक आए एक्स एक आए वाई, तो एक्स और वाई के बीच में जो वैल्यू का गैप होगा हर्ज में ही, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कुछ कम है, एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कुछ ज्यादा है। तो जैसे मान लो ये डेल्टा ओमेगा कम हो और ये डेल्टा ओमेगा ज्यादा हो, एक हो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, एक हो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, तो दोनों के बीच में गैप होगा 2 डेल्टा ओमेगा, वही बैंडविड्थ हो जाएगा। बोलो बेटा आप समझ में आए? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। तो अब मैं देखो क्वालिटी फैक्टर निकालने जा रहा हूँ, क्वालिटी फैक्टर निकालने जा रहा हूँ। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूं। उल्टा चलूंगा, पावर कब हाफ होगा, पावर कब हाफ होगा, पीमैक्स का। पीमैक्स क्या है? पीमैक्स है आई आर एम एस का स्क्वायर। पावर कितना है? तो पावर जो होगा, जो हाफ पावर वो रेजोनेंस तो नहीं है, तो मैं लिखूंगा आई स्क्वायर आर। लिखते चलना साथ में। बोले यहां तक कोई दिक्कत? आर से आर कटा, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू मेरी आएगी जब आई आर एम एस बाई रूट टू। आई आर एम एस होता है वी आर एम एस, आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाई जेड, और ये आई आर एम एस कौन सी है? तो ये है मैक्सिमम पावर वाली, मतलब रेजोनेंस वाली। और रेजोनेंस पे जो आई आर एम एस होती है वो वी आर एम एस बाई आर होती है, ये रेजोनेंस वाली, क्योंकि मैक्सिमम पावर से देखते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया वी आर एम एस बाई आर, अदरवाइज मुझे वी आर एम एस बाई जेड लिखना था, बट रेजोनेंस में जेड इज इक्वल टू आर होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? जबकि मुझे लिखना तो ये चाहिए था।
बिल्कुल लिख सकते हैं। हाफ पावर पर देख रहे हैं ना सर। हाँ हाँ तो आर क्यों लिखा बेटा? किसी भी मोमेंट पे पावर, किसी भी मोमेंट पे सर्किट में, एलसीआर सर्किट में पावर यही तो होती है आर एम एस स्क्वायर आर। वो सर वो वी आर है उसमें। चलो मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ लेकिन यही बात बोलूंगा। फिर तो मुझे बताओ बेटा, एलसीआर सर्किट में पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला कभी भी, कोई भी एलसीआर सर्किट हो, रेजोनेंस में हो चाहे ना हो, क्या मैं एलसीआर सर्किट में पावर का फॉर्मूला आईआरएमएस का स्क्वायर आर लिख सकता हूं कभी भी? यस। तो एक बार मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम पावर पे, एक बार लिख रहा हूं हाफ पावर पे। तुम बताओ, मैक्सिमम पावर पे मैंने लिखा आई मैक्स का स्क्वायर आर, बोलो सही यहां तक? यस सर। और हाफ पावर पे मैं लिख रहा हूं सिंपली, वहां पे कोई करंट है मुझे नहीं पता, आई स्क्वायर आर, आई आर एम एस का स्क्वायर आर, बोलो लिख सकते हैं? यस सर। अब ये है मैक्स में और ये हाफ पे, तो हाफ वाली मैक्स की आधी है, तो मैंने लिख दिया आई आर एम एस का स्क्वायर आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई मैक्स का स्क्वायर आर, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। आर से आर कट गया, तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई आई मैक्स अपॉन रूट टू, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आई मैक्स जो था वो था वी आर एम एस बाई आर, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तब होती है ना जब जेड की वैल्यू आर थी। यस सर। ना आई मैक्स भाई रेजोनेंस है ना, आई मैक्स क्या आई रेजोनेंस, और रेजोनेंस पे तुमने बोला था ना कि जेड के नाम पे खाली आर है। लेकिन अब जब आई आर एम एस है वो थोड़ी ना, वो तो वी आर एम एस बाई जेड लिखी जाएगी, तो इसका मतलब है कि जो इस समय हमारा जेड है हाफ पावर पे उसकी वैल्यू आर रूट टू है, जेड निकालना था। तुम चाहो तो उल्टा चलो, जेड जब आर रूट टू होगा, जेड जब आर रूट टू होगा तो जो करंट होगी वो वन अपॉन रूट टू आएगी, करंट वन अपॉन रूट टू होगी तभी तो वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर करने पे पावर हाफ हो पाएगी। यस। यहां तक लिख लो जेड आर रूट टू। बोलो लिख लिया सबने बेटा? यस सर। अब जेड आर रूट टू, जेड क्या होता है? जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है आर रूट टू, स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो ये आ जाएगा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो टू आर स्क्वायर आएगा, इस आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो आएगा टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। यहां तक रुक जाता हूं, पहले देख लो यहां तक कोई दिक्कत? नो नहीं। ठीक, तो मैं सॉल्व करता चलता हूं। ओमेगा स्क्वायर एल सी मल्टीप्लाई कर दे रहे माइनस वन इज इक्वल टू आर ओमेगा सी, इधर ले आओ ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये देखो ओमेगा में क्वाड्रेटिक आ रही है। यस। कितनी वैल्यूज होंगी ओमेगा की जिसका मतलब हाफ पावर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? एक की दो? दो। इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, तो कौन से दो रूट होंगे? ये देखो इस फिगर में बताओ कौन से दो रूट की बात चल रही है, ओरिजिनल फिगर बताओ कौन सी दो रूट की बात चल रही है जहां पे हाफ पावर हो रही है? हाँ इन्हीं की बात चल रही है, यही हाफ पावर, यही हाफ पावर, इन्हीं की बात चल रही है। इसका मतलब है कि अब ये मुझे बताओ ये ओमेगा वन और ओमेगा टू इसके दो रूट है हाफ पावर फ्रिक्वेंसी वाले,
तो अगर मुझको इनके बीच का गैप चाहिए, वैसे मुझे ये बताओ दोनों रूट्स के लिए मैं सीधा चार ओमेगा वन हो चाहे ओमेगा टू, में ओमेगा लिख लूं, दोनों रूट के लिए सीधा चार लगाऊं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वन हो जाएगा प्लस का अपॉन 2a 2a 2lc। अब बताओ इसमें एक बार प्लस लोगे तो कौन सा आएगा, इसमें माइनस लोगे तो कौन सा आएगा? बोलो बेटा। माइनस लेने पे ओमेगा वन आएगा और प्लस लेने पे ओमेगा टू। बस इसमें एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ बेटा हम लोगों ने ये किया है, कोई तुमसे बोले बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या एक्स को 2 लिखना चाहिए कि प्लस माइनस 2 लिखना चाहिए? प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू। प्लस तो देखो मैंने एक गड़बड़ की यहाँ पे, और वो गड़बड़ देखो मैंने कहते मैं खुद ही बोला मैंने गलती की है, यहाँ पे मैंने लिखा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी आर, इससे तो ये लग रहा है कि ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी से बड़ा, एक्सएल एक्सी से बड़ा है। जब तुम खुद ही बोल दे रहे हो कि एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू आर, तो तुम तो खाली ये वाला निकाल लो एक्सएल जो बड़ा वाला है ना, ओमेगा एल जो बड़ा ओमेगा टू, जबकि एक में तुम्हारा एक्सएल बड़ा होगा और एक में एक्सी बड़ा होगा। और वैसे भी तुम मैथमेटिकली भी देखो मुझे क्या लिखना चाहिए था, जब मैं यहाँ पे हटाऊंगा स्क्वायर तो मुझे प्लस आर लिखना चाहिए था कि प्लस माइनस आर लिखना चाहिए? प्लस माइनस आर। हाँ प्लस माइनस आर लिखना चाहिए, प्लस माइनस लिखना चाहिए था, और जब प्लस माइनस को इधर लाओगे बेटा तो ये माइनस प्लस ये आनी चाहिए थी। और अगर ये आएगी तो जब माइनस बी करोगे है ना, तो ये आनी चाहिए, ये इक्वेशन आनी चाहिए। अब तुम बोलोगे इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, तो मैं रुक जाता हूँ, मुझे क्यों यहाँ पे याद आ गया कि इन्हें गलती की है, मैं तुम्हें बताऊं क्यों। इसमें देखो एक टर्म जब तो आरसी प्लस ये वाली चीज आरसी से बड़ी है, तो जैसे मान लो आरसी की वैल्यू 10 है, ये 10 से बड़ी है, तो 10 प्लस 10 से बड़ा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा 10 आरसी से बड़ी जब वैल्यू है, जब तुम अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको आरसी से सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे मान लो 10 माइनस 10 से बड़ी चीज, तो ऐसे तो ओमेगा नेगेटिव आने लगेगा। लेकिन क्या ओमेगा नेगेटिव बताओ कोई उसका मतलब है ओमेगा नेगेटिव का? नहीं सर, नहीं इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन तो वैसे ही इग्नोर करना चाहिए था हमको, ये वाला माइनस साइन नहीं लेंगे, यहां तो प्लस ही लेंगे। लेकिन ये जो आरसी है माइनस बी, जब हम इसको करेंगे तो इसमें जरूर दो पॉसिबिलिटी है, एक प्लस हो सकता है एक माइनस हो सकता है। तो एक बार जब तुम प्लस आरसी प्लस ये करोगे तो तुम्हें ओमेगा वन मिलेगा, एक बार जब माइनस आरसी प्लस ये करोगे तो ओमेगा टू मिलेगा, दोनों यहीं से आएंगे ओमेगा वन ओमेगा टू। अब देख लो और अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बीच में प्लस क्यों लिया था केवल? बेटा इसलिए लिया था क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, जैसे सीधा चार से दो रूट आए, कभी किया होगा क्लास 11 में, जैसे टाइम सीधा चार से सॉल्व करने के बाद एस यू डी प्लस आरबीडी स्क्वायर में दो आ रहा, बट एक टाइम नेगेटिव आ रहा, तो बोले कि नहीं नेगेटिव टाइम तो हो ही नहीं सकता, डिस्कार्ड कर दो। यस सर। वैसे फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्कार्ड कर दो। अब तुम खुद ही सोचो बेटा यहां पे भी माइनस हो, यहां पे माइनस आरसी भी ले लो, माइनस आरसी माइनस या दोनों टर्म माइनस, तो ओमेगा माइनस हो सकता है क्या? नहीं। अब यही ओमेगा वन है यही ओमेगा टू है, अब बताओ मैं चाहो तो सम ऑफ द रूट कर लूं, चाहे प्रोडक्ट रूट कर लूं, चाहे सीधे गैप निकाल लूं, यार मुझे तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का मॉड चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो मैं सामने लिखा है बेटा जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ओमेगा वन ओमेगा टू को, तो ये जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, एक प्लस आर सी बाई टू एल सी और एक माइनस आर सी बाई टू एल सी, दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस। पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? अगर ये समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ गया होगा कि आएगा टू आर सी बाई टू एल सी, टू आर सी बाई टू एल सी आएगा, तो बस हो गया हमारा आंसर, ये हमें चाहिए था बैंडविड्थ, यही बैंडविड्थ है, यही बैंडविड्थ है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी के बीच में यही बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकलवा रहा था। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दोबारा तुमको नहीं करनी है, बट यही होती है बैंडविड्थ आर बाई एल। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होती है, क्वालिटी उतनी कम होती है। इन रेजोनेंस सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो रेजोनेंस की क्वालिटी को खराब करता है,
रेजिस्टेंस होता है जो रेजोनेंस की क्वालिटी खराब करता है। जब सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो सर्किट घगराते हैं, वो रेडियो सर्किट घगराता है इसीलिए था, वो आवाज इतनी खराब क्यों देता था क्वालिटी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कम कर दो तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, और बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, सर्किट में पावर बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम करना होता है सर्किट में रेजोनेंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बैक कर दी ये वाला सर, फिफ्थ वाला। यस ये वाला बोलो बेटा हो गया ये? यस। तो ये लास्ट पेज भी लिख लो, बैंडविड्थ लिख लो आर वाई एल। और अगर बैंडविड्थ आर वाई एल लिख लो तो बस मेरा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन पहले इतना लिख लो फिर बताता हूं। एलोमेगा बाय आर। हाँ ये लिख लिया सर बेटा, हो गया पेज ये? हाँ सर। यस। तो बस अब मैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है बेटा। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा रेजोनेंट बाय बैंडविड्थ। ओमेगा रेजोनेंट को ओमेगा रेजोनेंट रहने दो, और बैंडविड्थ को अभी तुम्हारा जो आया है आर बाई एल। और मीनिंग समझ लो बेटा, रेजिस्टेंस जो ज्यादा होता है ना तो वो फैल जाता है, वो क्वालिटी खराब हो जाती है सर्किट की। तो ये बन जाएगा बेटा ओमेगा एल बाई आर। अब एनी गैस ये ओमेगा एल बाई आर क्या लिखा हुआ है? Yes. हाँ। और रेजोनेंस में क्योंकि एक्सएल और एक्सी सेम होते हैं तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ओमेगा रेजोनेंट बाई बैंडविड्थ भी है। कई फॉर्मूले हैं, ये एक्सएल बाई आर भी है, ये एक्सी बाई आर भी है, और अगर तुम चाहते हो तो रख दो पूरा फॉर्मूला। एक्सएल की वैल्यू रख दो, ओमेगा एल बाई आर भी है, एक्सी बाई आर भी है, वन अपॉन ओमेगा सी आर भी है, क्योंकि सब रेजोनेंस पे तो सब अपने आप सॉल्व करके। एक और फॉर्मूला है, ओमेगा रेजोनेंट वन अपॉन अंडर रूट एल सी रख दो, और बैंडविड्थ रख दो बेटा आर बाई एल, आर बाई एल। तो एक और सॉल्व करके आ जाएगा सर की वैल्यू, वन अपॉन आर अंडर रूट वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ये भी फॉर्मूला है। तो अगर तुमको जेई मेंस के क्वेश्चन में, बेटा इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है, अगर जेई मेंस के क्वेश्चन में आर एल सी की वैल्यू दी हो चार सर्किट की और क्वालिटी फैक्टर पूछे किसका कम किसका ज्यादा, तो आर एल सी की वैल्यू रख के यहां से निकालना वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में क्वेश्चन आए हैं और मैंने देखे हैं क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है। जो जिस टाइप का सर्किट में वैल्यूज दे रखी हो उससे करो। अब बैंडविड्थ कभी डायरेक्टली नहीं दी होगी, और ये भी लिख लेना कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वही क्वालिटी गिराता है, रेजिस्टेंस कम करो क्वालिटी बढ़ाओ।
क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। यस यस। बुक खोलो, बुक में देखो क्वालिटी फैक्टर, बीच में एक्सरसाइजेस में देखो, असाइनमेंट में देखो, सेक्शन ए में। पहले एक्सरसाइजेस में देखो क्वालिटी फैक्टर का कोई क्वेश्चन है? तो चैप्टर हो गया? ऑलमोस्ट हो ही गया। क्वालिटी फैक्टर का देखो कोई क्वेश्चन? बुक खोलो, बता दो सबको जिसको मिल जाए। एक्सरसाइजेस में कोई क्वेश्चन दिखा? एलसीआर रेजोनेंस के बाद वाली एक्सरसाइज में होगा। क्वालिटी फैक्टर का कोई क्वेश्चन दिखा? हाँ बोलो अनिल, क्या बोल रहे हो? सर दिख नहीं रहा सर क्वेश्चन इसका। अच्छा एक्सरसाइजेस में देखो, मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है ना मिले? QF लिखा होगा क्वालिटी फैक्टर, या QF या Q लिखा होगा, सिर्फ Q। ध्यान से देखो, जरूर मिलेंगे। दिख तो नहीं है। कोई नहीं दिखा, ये तो कमाल हो गया। ढूंढो यार पावर मुझे फैक्टर। पावर फैक्टर नहीं, क्वालिटी फैक्टर। पावर फैक्टर बोलना है। हाँ वही क्वालिटी फैक्टर। क्यों? चलो तुम लोग जब तक ढूंढो तब तक नहीं देखा। क्वेश्चन तो नहीं दिखा। मिलेंगे बेटा मिलेंगे, तुम लोग शायद पूरा नहीं देख रहे हो सेक्शन ए सेक्शन बी। चलो तब तो मैं ही दे देता हूँ, मैं बना दे रहा हूँ अपने से क्वेश्चन। ये एक सर्किट है जो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस में यहाँ पे वोल्टेज दिए हुए हैं, ये है 200, ये है तुम्हारा 50 वोल्ट, ये है तुम्हारा 50 वोल्ट, और ये है 200 वोल्ट। हाँ सर एक तो है। और मुझसे क्वालिटी फैक्टर पूछी जा रही है, बताओ। क्वेश्चन बना लो, फिगर बना लो कॉपी में, मुझे बताओ। फिर एक और क्वेश्चन दो क्वालिटी फैक्टर का। दोनों क्वेश्चन में जल्दी से क्वालिटी फैक्टर सॉल्व करके बता दो। दूसरे वाले में 1/10, पहले वाले में 1/10।
पहला 1/200 पहला 1/200 देख लो क्वालिटी फैक्टर एक्सेल बाई आर है बोलो बेटा सबके हो गए दोनों फर्स्ट सेकंड वाले हो गए सबका सेकंड वाला चलें करें अटेम्प्ट करें चलो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने पूछा था क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर बेटा एक्सेल बाई आर होता है अब मुझे बताओ बेटा ये रेजोनेंस पे तो ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि वीएल ओवीसी की वैल्यू सेम है yes, तो अब तुम क्या करो इसमें आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आई एक्सेल बाई आई आर आई एक्सेल कुछ और नहीं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आई आर कुछ नहीं रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट है रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 200 है तो पहले का आंसर है 1/4 बोलो बेटा समझ में आया तो दूसरे का गलत हो गया था आंसर आएगा 1/2 हाँ उसमें तो सिंपली एक्सेल बाई आर कर देना है तो बहुत ही डैम इजी क्वेश्चन है जस्ट तुम्हें वैल्यूज रखनी होम होम में तो 5/10 1/2 ये दो आंसर है 1/4 1/2 तो यूनिट क्या होगी इसकी क्वालिटी फैक्टर यूनिटलेस है क्योंकि ओम अपॉन ओम कट जाएगा या वोल्ट अपॉन वोल्ट कट जाएगा एक नंबर होता है प्योर नंबर डायमेंशनलेस यूनिटलेस बोलो बेटा हो गया सबका समझ में आ गया यस तो बस चैप्टर खत्म है बस एक लास्ट टॉपिक तुम लोगों को और बता दूं और वो है एलसी ऑसिलेशंस हेडिंग डाल दो एलसी ऑसिलेशन और इसके बिना भी तुमको चैप्टर करोगे तो भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे तो अभी चैप्टर कंप्लीट कर लेना सारे क्वेश्चंस लगा लेना अब कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा एलसी ऑसिलेशन के बाद ये चैप्टर खत्म नेक्स्ट क्लास से हम ईएम वेव्स स्टार्ट कर देंगे एलसी ऑसिलेशन एलसी ऑसिलेशन क्या है इसको समझने के लिए मैं एक सर्किट बना रहा हूं सी एल ये हमारा एक एलसी सर्किट है इसमें t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ा हुआ है और कैपेसिटर पे चार्ज है q नॉट नॉट मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल चार्ज जो कि मैक्सिमम चार्ज है t इज इक्वल टू t पे अभी t इज इक्वल टू t पहले जाने से पहले ये बताओ मैं क्या कराने जा रहा हूं एक सर्किट है जिसमें सिर्फ l और c कोई सोर्स भी नहीं है v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t का सिर्फ l और c समझने की कोशिश करो सेफ एलओसी है या तो इंडक्टर में करंट देके छोड़ दिया और या तो सिर्फ कैपेसिटर में मैंने चार्ज देके छोड़ दिया है अब मुझे ये बताओ ये जो चार्ज अगर मैं कुछ देके छोड़ दूंगा तो क्या कैपेसिटर में एक वोल्टेज नहीं आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अब ये जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या करेगा ये वोल्टेज यहां पे भी बिल्डअप होने की कोशिश करेगा इंडक्टर के अक्रॉस ये करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा जब इंडक्टर में तुम करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो इंडक्टर उस करंट को फ्लो हो जाने देगा कि उस करंट को जो कि सर्किट में नहीं थी मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे मैं बोलूं t इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे एक की लगी थी सर्किट में की ओपन थी ऐसे की ओपन थी है ना और जैसे ही मैंने t इज इक्वल टू जीरो आया तो मैंने इस की को प्रेस कर दिया तो सर्किट स्टेब्लिश हो गया तो कैपेसिटर यहां पे करंट फ्लो कराने लगा तो इंडक्टर क्या करंट को फ्लो हो जाने देगा कि उसको अपोज करेगा अब होगा क्या कि जब इसको इंडक्टर अपोज करेगा लेकिन तब भी अपोजिशन के बावजूद कुछ तो करंट आएगी आएगी तो मान लेते हैं टी इक्वल टू टी पे सर्किट में करंट आई आ चुकी है अब आई आने से क्या होगा कि शुरुआत में इंडक्टर में कोई करंट नहीं थी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी शुरुआत में सारी की सारी जो कैपेसिटर था वो फुल्ली चार्ज था तो कैपेसिटर की प्लेट्स के भीतर एक एनर्जी है
और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, कई बार बोला मैंने, और एक पर्पज से बोला था क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे थी, स्टोर्ड थी, और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी होती है, जो चाहो तुम बोल दो, इतनी एनर्जी स्टोर थी। और शुरुआत में टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर में कितनी एनर्जी थी, कुछ नहीं, जीरो। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कैपेसिटर का चार्ज घट गया, कैपेसिटर में पहले पहली थी क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, अब कैपेसिटर में चार्ज घट गया, अब चार्ज घट गया कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर की एनर्जी घट गई, क्यू स्क्वायर बाई टू सी घट गई। तो क्वेश्चन है वो एनर्जी घट के गई कहां पे, जब इंडक्टर में करंट एस्टेब्लिश करोगे तो इंडक्टर में करंट आने से इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आती है, और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इंडक्टर में एक एनर्जी आएगी हाफ एल आई स्क्वायर। अब क्या होगा कि कैपेसिटर की एनर्जी घट रही है तो एनर्जी का लॉस हो जाएगी, रेजिस्टर तो है नहीं सर्किट में, तो लॉस नहीं हुई, इंडक्टर में आके स्टोर हो गई। एल और सी दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, तो कैपेसिटर से एनर्जी निकली और इंडक्टर में जाके स्टोर हो गई हाफ एल आई स्क्वायर में। बोलो ये बात समझ में आ रही कि अगर कैपेसिटर से कुछ एनर्जी निकलेगी तो इंडक्टर में उससे कम, उससे ज्यादा कि उतनी, उतनी ही एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी जाके। अब इंडक्टर में क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर में चार्ज निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, कैपेसिटर से चार्ज निकल के कैपेसिटर में एक, अरे बेटा गाने बंद कर ले। तो कैपेसिटर में एक मोमेंट पे ऐसा क्या होगा कि निकल के चार्ज पूरा सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी। जिस मोमेंट पे कैपेसिटर में एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी, वो पूरी एनर्जी जाएगी कहां पे, इंडक्टर में चली जाएगी, हाफ इंडक्टर में चली जाएगी। और फिर वो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर के पास मान लो तुम्हारा करंट आ गई है, पूरी सारी एनर्जी आ गई है, तो इंडक्टर रुकेगा नहीं, इंडक्टर करंट फ्लो कराता रहेगा इधर, और करंट इधर जाएगी तो इंडक्टर चार्ज भेजेगा इधर, तो जो कैपेसिटर की प्लेट निगेटिव थी अब वो प्लेट बनने लगेगी पॉजिटिव धीरे धीरे, और जो प्लेट पॉजिटिव थी वो बनने लगेगी निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन रिवर्ट कर लेगा, लेकिन कैपेसिटर में फिर से एनर्जी आने लगेगी। तो कैपेसिटर में एनर्जी पहले मैक्सिमम से जीरो होगी, जीरो से अब फिर एनर्जी मैक्स होगी, लेकिन अब उस उल्टी डायरेक्शन में, और जब उल्टी डायरेक्शन में होगी तो फिर ये तुम्हारा इंडक्टर से इधर आने लगेगी एनर्जी, चार्ज इधर आने लगेगा तो हाफ एल आई स्क्वायर घटने लगेगा और कैपेसिटर में एनर्जी बढ़ने लगेगी, फिर एनर्जी बढ़ेगी रिवर्स में मैक्सिमम, तो वो इधर करंट फ्लो कराने लगेगा। अब इधर करंट फ्लो कराने लगेगा, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन इंडक्टर में उल्टी हो जाएगी, और जब इंडक्टर में उल्टी हो जाएगी तो कैपेसिटर से एनर्जी उठ के इंडक्टर की तरफ आने लगेगी। तो अल्टीमेटली तो मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहता था, इस सर्किट में एनर्जी ना तो इंडक्टर के पास रहेगी ना तो कैपेसिटर के पास रहेगी, दोनों एक दूसरे को ऑसिलेट करती रहेगी, इंडक्टर कभी एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर, कभी इंडक्टर से कैपेसिटर, कभी दोनों, कैपेसिटर की एनर्जी घटती रहेगी तो इंडक्टर की बढ़ेगी, इंडक्टर की घटेगी तो कैपेसिटर में बढ़ेगी, दोनों की एनर्जी आपस में घूमती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी, और ये किसी भी मतलब तुम्हारा बोल सकते हैं चार्ज को एक्सीलेट करने का या फिर एनर्जी को ऑसिलेट कराने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए सारे रेडियो सर्किट्स में, सारे एलसी जहां रेडियो वेव्स पैदा करते हैं, वहां पे अंदर सर्किट में एक एल होता है, एक सी होता है, और वहां पे एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, और कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले बताओ बेटा थोड़ा बेसिक समझ में आया कि एलसी सर्किट क्यों कर रहे हैं? सर ये इंडक्टर से एनर्जी क्यों रेडिएट होगी सर, उसमें तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है ना? हाँ होगी, रेडिएट नहीं होगी, मैंने ये नहीं बोला रेडिएट होगी, इंडक्टर में मान लो क्यों होगा उससे करंट, बता रहा हूँ, इंडक्टर में मान लो तुम्हारा यहाँ पे इंडक्टर में मान लो कुछ एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, अब वो इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर मान लो कैपेसिटर ना होता तो ये करंट घटने लगती, अब ये करंट घटने लगती तो क्या होता है कि इंडक्टर हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है, जब करंट बढ़ रही थी तब भी अपोज कर रहा था, जब करंट घट रही है तब भी अपोज कर रहा है, तो करंट ना घटे इसलिए वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में वो करंट को फ्लो कराएगा जिस डायरेक्शन में करंट चले, इंडक्टर क्या है इनर्शिया, जैसी करंट चल रही उसको चलने देगा, तो जैसी करंट चल रही उसको वो चलाएगा, भले कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है, तो अब वो करंट को चलाएगा, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का चलना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके डिपॉजिट होने लगेगा, इसलिए कैपेसिटर में फिर से चार्ज बिल्डअप होने लगेगा। बात समझ में आई कि इंडक्टर करंट को जब बढ़ रही थी तो बढ़ने नहीं दे रहा था, घट रही तो घटने नहीं दे रहा है, तो इंडक्टर घटने भी नहीं देगा और उसको यहां पे ले जाएगा करंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पहले यहां से प्लस से जीरो, फिर जीरो से माइनस,
फिर माइनस से जीरो, फिर जीरो से प्लस, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, ऐसे बार बार चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा। और कैसे करेगा तो नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें ग्राफ आप बना के पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ओके यस सर, चलो फिर गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।